हम दो थे और तीसरा था हमारा नसीब, जो शायद मुंह फुला के कहीं जाकर सो गया था। शहर था मुंबई और वहां की भागदौड़। हम इंजीनियर बने और लग गए भीड़ के साथ इस खूंखार शहर में नौकरी की तलाश में। 15 लाख के पैकेज की उम्मीद के बजाय मिली 15,000 रुपल्ली की नौकरी। जिंदगी की इस उठापटक के बीच एक वक्त ऐसा आया जब हमें लगा कि बस एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां सारे शहर की निगाहें हम पर हों। टीवी वाले भी ना मरे क्या क्या न्यूज दिखाते रहते हैं। क्या भाई गलत क्या दिखा रहे हैं? यही तो हो रहा है भाई। बाप ने कहा होगा कि भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाओ। दौड़ने ने कहा नहीं, हम तो आपको सुसाइड खेल के दिखाएंगे। ये जनरेशन आजकल की। सही बात है, आपकी जनरेशन में तो जैसे पापा सारे महाराणा प्रताप बसते थे ना जी। क्या जनरेशन बसते थे और सारे के सारे हल्दी घाटी जीत के लाते थे। तुमसे हल्दी की गांठ तो जीती नहीं जाएगी। ढंग की नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, बात बड़ी बड़ी। क्या मतलब ढंग की नौकरी? मैं क्या बैल चराने जाता हूँ पापा रोज? कितनी सैलरी तुम्हारी? 13,000। क्या करूँ इसका, शहद लगा के चाटूं? एजुकेशन लोन जो लिया था उसकी EMI कितनी चुका पा रहे हो इससे? बात करते हैं। GDP ना 3.8 पे पहुंच चुकी है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास ढंग की नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरा स्टार्टअप शुरू करा दीजिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मतलब क्या है? अरे भाई बकरी तो पाली नहीं जा रही है और हाथी पालने की बात कर रहे हो। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो। शर्मा जी और गजब का पैकेज है उसका। तो पापा शर्मा जी के बेटे को ही गोद ले लो ना, वैसे भी उसकी मम्मी को ये अजीब नजरों से देखते हो। नाश्ता तो कर लेने दो बेचारे को, क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह। नहीं बढ़िया है, ये नाश्ता करता रहे और दुनिया चांद पे जाती रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है नहीं करता नाश्ता। खुश है? तू भी किन की बातों का बुरा मान, आराम से जाओ ऑफिस। ये जाते जाते ये खा ले ठीक है। अरे सेब क्या, वो ड्रॉर में लॉकर की चाबी है वो भी दे दो। हाँ वो भी दे दी। यस क्या करे? ये देख ये मैंने तेरी बहू के लिए बनवाया, जाते जाते इसे लॉकर में रख देना। मम्मी मेरे पास नौकरी तो है नहीं अच्छी, आप शादी और करा दो मेरी। वैसे ये स्कीम ना पापा के लिए सही है ना पापा? एक काम करता हूँ शादी कर लेता हूँ, खूब सारा दहेज ले लेंगे, उससे सारा लोन उतार देंगे। देखो देखो किसी चमकारी है चेहरे। चलो बाय मामा। बाय। वैसे बात तो ठीक कर रहा है, आज से रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपना चैनल देखिए। हाँ देखेंगे अपना चैनल, कम से कम TV तो हमारा है, जो मर्जी है वो चैनल देखूंगा मैं। बताया जा रहा है कि एक जवान बेटे ने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुजी इसी हफ्ते ना प्रमोशन है ऑफिस में, प्लीज कुछ देखो ना। कोई भी नया कार्य सुबह ठीक 8 बजे ही शुरू करो, सब सफलता मिलेगी। गुरुजी ये लेना पड़ेगा मेरे को, आई एम रियली सॉरी। हाँ वेब्स बोलो। कहाँ? ऑफिस जा रहा हूँ ना वेब्स। आप बताओ ना मुझे। तुम मिलते हुए जाना। भीषण अभी नहीं आ सकता, I'm on my way. पीला कपड़ा पहनना शुरू करो, ग्रह शांत होंगे। पर पिछली बार तो आपने नीला बोला था ना। नीला? मैंने कब कहा था? अरे तुमसे नहीं बोल रहा बाबा। समीर सुनो मेरी बात, तुम आ रहे हो या नहीं? बेब्स हाउ कैन आई कम यार। ठीक है बाय, फोन मत करना। तो अरे यार तुम नाराज क्यों हो रही हो इसमें? ठीक है I'll figure out something, I'll come, okay? हाँ बताओ। तुम बताओ क्या करना है? क्या करना है? शादी करनी है ना। हाँ तो करेंगे शादी। अब देखो मैंने तो घर वालों से भी बगावत कर ली, तो मैं बगावत नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो घर आके मेरा हाथ मांगना पड़ेगा।
मेरे डैड ने ऑलरेडी लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई पायलट। अरे मल्टीनेशनल कंपनी का जोनल हेड कोई छोटी चीज है क्या? इसी वीक मेरा प्रमोशन है, फिर तुम्हारे डैड को भी बताऊंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा ना, और फिर तुम कहो तो घोड़े घोड़े पे आ जाऊंगा। समीर, जिंदगी शाहरुख खान की फिल्मों की तरह नहीं होती है। एनीवे, मैं आज रात को डिनर पे जा रही हूँ उनके साथ। तुम्हें आना है आज? हाँ, मैं उनसे मिलाऊंगी। लेकिन बेब, बात ऐसी है कि हाफ डे पे ना प्रमोशन नहीं। कितने बजे आना है? 8 बजे ग्रैंड पैलेस, 7:30 बजे पहुंच जाए। आओ। क्या सर्चिंग चल रही है भाई? चल छोड़, आजा दिल चला के आते। आ भाई ब्रूस ली, चाय पिला। थैंक यू। और इजे? साले चाय तो कभी गरम पिला दिया कर। पहले ही जले भुने खड़े हो, अब चाय भी गरम पिलाऊं? चल। यार मेरा स्टार्टअप शुरू हो जाए बस एक बार यार। तो कंपनी के क्लाइंट से क्यों नहीं बात करता? अरे तू पागल है क्या गौतम? एथिकली कितनी रॉन्ग चीज है यार ये। अपनी कंपनी के क्लाइंट चुराऊंगा साले, नरक में जगह नहीं मिलेगी मुझे। अबे तू अभी कौन सा स्वर्ग में बैठा है? नहीं यार। चल मैं भेजता हूँ तेरे पास क्लाइंट के डिटेल्स। अबे हिटलर, अबे सिगरेट फेंक, अबे सिगरेट फेंक। हाय गाइस, क्या चल रहा है? सॉरी, क्यों अजय आजकल कम दिख रहे हो ऑफिस में? नहीं सर, मैं तो यही हूँ सर। I'll see you guys upstairs. Yes sir. Yeah. क्या बे? सिगरेट क्यों नहीं फेंक रहा था तू? फेंक तो दी। अबे पहले क्यों नहीं फेंकी? अबे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हम उसकी इज्जत करते हैं। तूने पहले फेंक दी, उसे घंटा पता चला। आदमी अतरंगी है तू। बचपन से। सुन यार, मेरी ना क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे हफ्ते मारना है। आज फिर डैडी कब आना? देख अब अगर मैं जीनियस हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस काम में तुम लोग 8 घंटे लेते हो, मैं 4 घंटे लेता हूँ। अबे तेरे बाप की बीमारी ज्यादा लंबी नहीं हो गई? उस दिन चित्रा पूछनी थी कि अजय के बाप को एड्स है क्या। चित्रा को बोल अपने बाप को संभाले, ठीक है? तब तक तू ये संभाल, मैं निकलता हूँ। बाय। मिस्टर अजय, सर इज कॉलिंग यू, प्लीज कम। So what I hope to do is to involve as many small scale workers as possible. So presenting you with the Bornicle Mechanical Born to Bring a Change. That's my presentation guys, what do you think about it? Your plan is good. Thank you. But setup ka initial investment to tumhe hi karna padega. तो भाऊ एक बार मैं आपसे मिला था, आपने बोला था कि कभी भी ऐसा अपना खुद का शुरू करना है काम वाम, तो कुछ पैसा वैसे का जरूरत होगा तो बताना। बोला था ना मैंने? आपने बोला। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो उसी का भाऊ, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, सब सेट है। स्टार्टअप क्या है? बिजनेस भाऊ, खुद का बिजनेस। हाँ। कंसल्टेंसी का है भाऊ। तो उसके लिए भाऊ बस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 लाख का, जो कि क्लाइंट से बात हो गया भाऊ, वो फर्स्ट मंथ के बाद ही सारा रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, 20 लाख? 20 लाख बस इतना ही चल जाएगा? खड़ा क्यों? बैठ बैठ बैठ। थैंक यू, थैंक यू। अरे हो जाएगा, तू टेंशन ही मत ले। थैंक यू भाऊ। अरे होता ही कितना ये 20 लाख, क्या बोलता जिगरे? हाँ भाऊ। अरे अपने भाऊ एक साइड का भी जब झटकेंगे ना, वैसे भर से नोट निकल आएंगे। अखे मुंबई में भाऊ का वर्ड है अपने। हाँ नहीं है ना, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। माइला तुझे एक कातिया, हाथ चलाने का पैसा दे रहा हूँ फोकट के नहीं। ठीक है दादा। हाँ ठीक है दादा, ठीक है दादा। तू क्या बोल रहा था? हाँ भाऊ वो स्टार्टअप का बोल रहा था, वो बिजनेस का 20 लाख का। अरे बोलो ना तुला, अभी तू उसकी चिंता ही छोड़ दे। अगले हफ्ते मेरे से 20 लाख लेके जाने का, शर्माने का नहीं, लेकिन आप ही नहीं, पहले बापा का मंडल, फिर तेरा प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल भाऊ। तू भी क्या याद रखेगा, इस बार अपने बापा का मंडल है ना, अखा मुंबई में एक नंबर आना चाहिए। नहीं नहीं आएगा ना भाऊ, बिल्कुल आएगा। अरे ऐसे थोड़ी आएगा, तुम्हें भी हमारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाव करेगा ना। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसे ही पैसे लेके जाएगा? तू फिर खड़ा क्यों, काम पे लग जा। चल चल जा जा, आज से तू भी मेरा कार्यकर्ता। हां मैं कम। यस ओह, कम इन, कम इन समीर। कम 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 समीर। अच्छा सुनो, मैं ये प्रियंका को कुछ फाइल्स दे रहा हूँ, थोड़ी इसकी मदद कर देना।
और रात को थोड़ा लेट हो जाए तो रुक जानो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी ऑफिस में सभी को तुम्हारी मदद की जरूरत होती है भाई। आई जस्ट होप आई गेट व्हाट आई डिजर्व सर। यू डिजर्व द बेस्ट समीर। व्हाट गर्लफ्रेंड? हाँ एक्चुअली बस 5 मिनट में पहुंच गया, मैं बस पहुंच ही गया हूं। आने की कोई जरूरत नहीं, हम डिनर कर चुके हैं, अब मुझे फोन भी मत करना। यार शिल्पा फिर नाराज हो गई यार मेरे से। एक तरकीब है मेरे पास, पता है? शिल्पा फिर तुझसे कभी नाराज नहीं हो। क्या बात है, छोड़ दे शिल्पा। शिल्पा। हाय समीर। यार तुम तो फोन ही नहीं उठा रही हो। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम डैड से मिलने आ रहे हो या नहीं? बोलो कब मिलना है। फिर दिल्ली आ जाओ। मैं यहाँ अपनी एक कजन की वेडिंग में आई। दिल्ली नहीं आना है? नहीं नहीं, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। एड्रेस सेंड कर रही हूँ। यार दिल्ली जाना पड़ रहा है। दिल्ली क्यों?
शिल्पा ने अल्टीमेटम ही दे दिया इस बार, बोली इस बार डैड से नहीं मिलोगे तो तू चल साथ। हाँ दिल्ली? नहीं यार, देख ना ये पंडाल और ऑफिस के बीच में भाग भाग के पागल हो रहा हूँ यार। दिल्ली कहाँ? तेरा ये भाव पैसे देगा? यार देगा यार, देना तो चाहिए। देख ये मालदार पार्टी है वैसे। हाँ अभी जो दही हांडी हुई थी उसमें उसने 15 लाख की हांडी रखी थी यार। पर बैकअप रखियो कोई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, रखियो बैकअप। 2 लीटर सरसों तेल। हाँ हाँ लोबान। हाँ पंडित। अरे यार पंडित तो खुद का ले आओ यार। और उलझे हुए राजा? करता हूँ। क्या बना तेरे स्टार्टअप का? कुछ नहीं यार, लगा हुआ हूँ बस बुरी तरीके से, कुछ हो ही नहीं रहा है यार। काश सरकारी कोई ऐसी स्कीम चला दे जिससे शॉर्टकट में पैसे कमाए जाए। देख सरकार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक बंदा है, तेरे कुछ काम आ जाए तो तेरे बैकअप का जुगाड़ हो जाएगा। बैकअप मतलब कौन है? बिल्लू भाई है, लेकिन दिल्ली में रहता है। क्या आदमी आ जाए वहां कसम। अभी मेरे अंकल को पैसों की जरूरत थी, सब जगह छान मारा, कोई इंतजाम नहीं कर पाया। यह आदमी ने एक दिन में जुगाड़ कर दिए। बहुत ऊंची पहुंच है। अरे सुन, मैं कह रहा था अब तुझे कोई मिला साथ दिल्ली जाने के लिए? ढूंढ तोड़ रहा हूँ किसी को, तेरे से ही पूछा था। अच्छा ठीक है, चल फिर मैं आता हूँ। और तेरा पंडाल? बे पंडाल होता रहेगा यार, दोस्ती भी कोई चीज है कि नहीं है? तू बस टिकट्स का देख ले। चल ठीक है, चल मैं बताता हूँ तुझे। ठीक, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, काम को भी और बॉस को भी। थैंक्स यार। और सुन, अगर बिल्लू भाई लौटते समय मेरे लिए कुछ दे तो ले आना। बिल्लू भाई? हाँ बिल्लू भाई। अरे दिवाकर बाबू, आपके आशीर्वाद में तो जी रहे हैं। आपको पता है आप हमारे लिए कितने लक्की हो। क्या ये छोटी बात कर रहे हो आप, 30 लाख? मैं 30 लाख रुपए भिजवा रहा हूँ। अरे यार इस बार टाइम से भेज दियो। राम राम। हाँ भाई। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अजय है, गौतम से बात हुई थी सर, वो कह रहा था आप पैसों का जुगाड़ करवा देते हैं। सर खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, छोटी सी रकम है 20 लाख की, अगर आप करवा देते तो। ले लो भाई, गौतम अपना बंदा। ले लूँ सर? ले लूँ सर, थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मेलिटीज हैं यहाँ से? मेरे पास ना कुछ प्लान्स हैं। अच्छा क्या प्लान्स हैं सर ये? देखो भाई, पहला प्लान है मेरा शॉर्टकट प्लान। ओके ठीक है, इसमें आपको डकैती मारनी है, लूटपाट मचानी है, इसमें आप बैंक लूट लो, कंपनी लूट लो, ATM उखाड़ लो पूरा। और पर डकैती जो है इसमें 15% कम हो जाएगा जो भी रकम आपने ली है, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। सर अच्छा लग रहा है सुनने में, इट्स नाइस। उसमें टाइम बस लग जाएगा। वाइट कट, वाइट कट प्लान, डायरेक्ट प्लान है, बिल्कुल सीधा मर्डर सर, सीधा बस भाई डायरेक्ट खत्म। आप फिर शहर छोड़ दो, आपको 3 रातों के लिए गोवा भेज देंगे 5-स्टार प्रॉपर्टी में, वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। आराम करो, दारू शुरू पियो, मुर्गी चुरू बाड़ो। ये कॉम्प्लीमेंट्री है साहब, कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ। हम तो धन हो गए आपके ये सारे प्लान सुन के, है ना? व्हाट अ क्लैरिटी ही हैज। तो ये वाला सही है? हाँ सर, पता नहीं क्यों मुश्किल सा लग रहा है ये सब कुछ कर पाना। कट टू कट प्लान भी है मेरे पास। अच्छा कट टू कट प्लान, वेरी सिंपल। एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, बस सिंपल है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ठीक है। क्या सप्लाई है सर? लौंडिया। लौंडिया का महकती हुई चेकती हुई लौंडिया उठानी है, दुबई भिजवा देंगे, बहुत डिमांड है वहाँ पर, बहुत डिमांड। क्या कहते हैं? नहीं सर, इतने ऑप्शंस मिल गए हैं कि एकदम मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ। अभी के लिए एक पैकेट ले लेते हैं। ओ भाई, एक है मेरे पास क्यूट कट प्लान। I'm liking the sound of this. सर ये कुछ, ये प्लीज बताइए इसके बारे में। भाई कुछ नहीं करना इसके अंदर, अमीर बाप की जो है ना क्यूट बेटियों को पटाओ। क्यूट से होटल का अरेंजमेंट हम करेंगे, क्यूट कैमरा का जो एंगल होगा उसमें क्यूट क्यूट वीडियो बनाओ। क्या कहते हो? एक ही वीडियो में सारा कर्जा माफ। नो नहीं सर, सर देयर इज समथिंग मॉरली रॉन्ग अबाउट दिस। ओके
थैंक यू जी सर हम पैकेट लेंगे एंड विल टेक योर लीव ओके भाई ये लो जी शिरा जी जी भाई जी क्या हिसाब बनाएंगे भाई जी 14 मिनट 14 मिनट के मिनट के 1000 रुपये 19,000 दो चाय 4,000 के हिसाब से 19,900 रुपये निकालो निकाल हम निकाले और कौन निकालेगा सर हमने तो चाय को हाथ तक नहीं लगाया भाई धरी थी चाय तूने नहीं पी अब पी ले अभी तेरा ही माल है बिस्कुट भी खाओ नहीं हमें नहीं खाना सर बिस्किट अगर गिट्टे तोड़वाने हैं तो बोल दो सड़क बंद करके अंदर कोटावा छा खाना है तो बोल दो पैसे दे दे शिरा पैसे दे रहे नहीं सर पैसे दे डर डर लग रहा पैसे दे रहे निकालो शिल्पा ने दी थी यार वो अंगूठी मुझे और ये था तेरा बैकअप सही बोल रहा है यार इससे अच्छा तो अपना भाऊ ही है यार देर सवेर पैसे दे रहा है दे तो रहा है मर्डर तो नहीं करा रहा लेता हूँ उस गौतम को साले को मैं जाके उसने वो क्या दिया तेरे को पुड़ियों में चरस गांजा पता नहीं क्या होगा अरे नहीं वो कोकेन है हाँ तो भाई फेंको इसे ये जेबों में नहीं रखते चीजें और वो क्यूट कट पे बड़े लुक्स दे रहा था तुम्हें अरे यार मुझे लगा तेरे पास क्यूट भी है कट भी है अच्छा तो कट मेरा ही होगा ऑटो यही लग रहा है अब 200 रुपए कैसे हो गए यार दिल्ली के ऑटो वाले सब चोरों अरे नौजवान सुनो यार हमारे पास जरा चेंज नहीं है ऑटो वाले को दे दो मैं अंदर से करवा दूँ हाँ शाबाश क्या बात है बेटा शिल्पा कहाँ मिलेंगे अब शिल्पा दीदी से मिल रहे हो हाँ बेटे कहाँ मिलेंगे शिल्पा दीदी आपकी भी दीदी लगती है अरे नहीं 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 बेटे इनकी तो डार्लिंग लगती है और ये तुम्हारे जीजू लगते हैं ये भी जीजू दूसरे जीजू भी आ गए दूसरे जीजू यानी पहले भी कोई आ चुका है दोस्त सुनो बेटा आप इन्हें क्यों जीजू बोल रहे हो हम आपको पसंद नहीं आए क्या एक्चुअली हमने उसे बोला था आज उसकी दीदी को जीजू देखने आने वाले हैं हमें क्या पता था हर आने वाले को ये जीजू बुलाएगा नहीं मम्मा इन्होंने ही बोला था नहीं बेटा हमने तो बोला था हम आपकी दीदी के फ्रेंड्स हैं याद है हाँ वैसे भी आजकल अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है बस ऐसे ही मौके हैं जहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है सो ट्रू क्यों बेटा कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना जी डैड नो नो डैड सर आई विल मेक अ मूव ठीक है फिर शिल्पा रजत को सी ऑफ कर लो वैसे भी तुम इनके साथ प्राइवेट में बात करना चाह रही थी ओके बेटा प्लेजर टू मीट यू सर थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू कैप्टन स्वीट बॉय प्लीज सिट थैंक यू सर बैठो वुड यू लाइक अ ड्रिंक नो थैंक्स सर सर एक्चुअली समीर तो नहीं पीता आई कैन हैव वन श्योर सर आई विल हेल्प मायसेल्फ हाँ सर तो कौन थे लोग जो मिलने आए थे कैप्टन रजत और वो शिल्पा को मिलने नहीं आया था उसे देखने आया था एक्चुअली सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी बोलो सर शिल्पा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपस में शादी करना चाहते हैं आपस में हाँ सर तुम चाहते हो वो तो ठीक है वो तो बात समझ में आ गई क्योंकि तुम क्यों ना चाहोगे शिल्पा पढ़ी लिखी है खूबसूरत है और इस देश के लीडिंग एग्री कमोडिटीज एक्सपोर्टर की इकलौती बेटी है नहीं सर ऐसा नहीं है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं प्यार तुम करते क्या हो सर सिवेनियर्स करके एक मल्टीनेशनल कंपनी है और शिल्पा ने कहा था कि तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जोनल हेड हो नहीं सर एक्चुअली 2 दिन बाद मेरा प्रमोशन ड्यू है तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहा है 2 दिन बाद
वो देखो शिल्पा आ गई, कितनी खुश लग रही है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बेटा, ये जाने के लिए कह रहा और मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों समीर? Yes. बेटा तुम अपने दोस्त को सी ऑफ कर लो, मैं अंदर जा रहा हूं। Okay? जी। It was nice meeting you. What a nice and a kind man. Your father? पापा से कुछ बात हुई क्या? टाइम है तुम्हारे पास सुनने का? तो किसी और को भी सी ऑफ करने जाना है। गाइस मैं आई जस्ट गो आउट फॉर अ क्विक स्मोक, द बेस्ट टॉक। समीर तू समझने की कोशिश करो, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मैं लड़की हूँ, आई हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स। हाँ मैं भी बैलेंस आउट ही कर रहा था, इसलिए मैं तुमको कह रहा था कि थोड़ा रुक जाओ, मेरा प्रमोशन हो जाने दो, फिर मिल लूंगा तुम्हारे डैड से। मगर तुम्हें लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आऊंगा ताकि तुम्हारे तुम्हारे डैड को जवाब दे सकूं। हाँ तब तक चाहो तो तुम रजत के साथ घूमने का प्लान बना सकती हो, मगर दो दिन रुक जाओ, दो दिन तक उसे हाँ मत बोलना, मैं वापस आऊंगा पक्का। ओहो येलो कलर की शर्ट, गुरु ने बोला ना ये कलर करेक्ट। प्रमोशन अनाउंस होने आज मिठाई तैयार रखियो, फिंगर्स क्रॉस हैं यार। ऑल सेट, ऑल द बेस्ट। आ गया तू? माले क्या मंगाया था तूने बिल्लू भाई से? काहे बता ना मुझे। बता तू पहले ये बता, अगर मैं रास्ते में पकड़ा जाता तो? अबे पकड़ा तो नहीं गया ना, और ये बता कौन सा प्लान अच्छा लगा बिल्लू भाई का? कौन से कीचड़ में फंसा रहा था मुझे? पैसों के लिए मर्डर करूंगा मैं? नहीं तो बोलता कि शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता हूँ। शॉर्टकट से मैं पूरी पुलिस के पास गया दोस्तों में तेरा यार ऐसा करें क्या? सर मेरे साथ में आपको मिला बोला है। सो गुड टू सी, मिलता हूँ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कम इन कम इन कम इन। आंट यू ऑल इट टुडे? सर ओ हाँ, योर डैड इज नॉट वेल। अब कैसे हैं तुम्हारे डैड? वेल ही इज डूइंग बेटर सर, इनफैक्ट अब तो सुबह जॉगिंग पे भी जाना शुरू कर दिया। और तुमने कितना अपना स्टार्टअप इस कंपनी में जमाना शुरू कर दिया है? सॉरी आई डिडंट गेट। अपने स्टार्टअप के लिए कितने क्लाइंट्स थोड़े तुमने हमारे कंपनी से? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अब सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे। Get out from here. Now. Get sir, out from please, here. Sir, please, मेरी बात सुनिए सर। Enough. जिस कंपनी का खाते हो उसी में छेद करते हो। Thank God मुझे तुम्हारी सारी फाइल्स मिल गई थी, वो भी वक्त पर, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने। Get out from here. इस कंपनी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। Out. Sir. Now. गौतम। हाँ क्या हुआ? तूने किया ना ये सब? क्या क्लाइंट लिस्ट मैंने मांगी थी या तूने दी थी? फिर मैंने कहाँ दी थी? बस everyone. Hello.
हेलो, मुझे मालूम है कि आप सभी को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सबने अपना अपना रिजल्ट बेस्ट किया है, पर जिसका प्रमोशन हुआ है हमारी कंपनी के उस नए जोनल हेड का नाम है, गेस कीजिए क्या नाम है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बताता हूं, उसका नाम है प्रियंका खुराना। उसका नाम है प्रियंका खुराना। समीर, अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। दोबारा बोल। अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले? इन टाइम पंच कराते हो, आउट टाइम कौन पंच करेगा तेरा बाप? माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे मत जा, मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब हो रही है। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहां घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं, और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे, और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया, और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी सुलोंडिया को। What the hell, समीर? ए, तू चुप हो जा वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मेकअप करने लायक नहीं रहेगी। समीर, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तू लड्डू खा, तेरे को लड्डू खाना है ना, बदतमीजी। This is too much. Too much नहीं, मैं अभी तेरी मच कर दूंगा। Too much? मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी कोई माँ बीमार पड़ी है गाँव में। मुझे प्रमोशन चाहिए था क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, और ये तू अच्छे से जानता है, और तू भी जानती है। Get out. इसी वक्त निकल जा ऑफिस से। जैसे तूने इसको प्रमोशन दिया ना, तू भी ऐसे ही चाट चाट के इस कुर्सी पे बैठा है। तू नहीं निकाल रहा है मुझे, मैं छोड़ रहा हूं तेरी नौकरी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? और आवाज मत निकल। Get out. Get up. Get out. चलेगा साला, मैं तुम्हें मार दूंगा। Don't touch me. तू चुप होगा? नजरें नीची, नजरें नीची। सादा वापस आना नहीं चाहता। ओए, नमस्कार भाऊ। मैं क्या बोल रहा था, अभी ये पंडाल का काम तो पूरा हो गया ना। हाँ। वो आपसे जो पैसे की बात हुई थी। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे ना, एक मिनट, तुम्हारे पैसे ये तुम्हारे पैसे। ये क्या है भाऊ? 300 रुपये पर डे के हिसाब से 7 दिन में 1 दिन तेरा खाड़ा है। नहीं 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 भाऊ, मैं इन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसों की बात हुई 30 लाख भाऊ, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी इस साल बप्पा के मंडल में बहुत खर्चा हो गया, अगले साल देखिए। ए पेदरू, जोरा दांत चलाओ ना, खाना नहीं खाया तूने? भाऊ भाऊ, मैंने बहुत भरोसा किया आप पे भाऊ। मैंने 1.5 लाख का टोकन दे दिया ऑफिस के लिए भाऊ, नौकरी छोड़ दी आपके भरोसे पे। अब बोलेगा मेरे पर भरोसा रख के ही पैदा हुआ था तू? जा निकल, बहुत काम है मुझे। ए, वो पंडाल वाले को फोन कर, चल जल्दी बुला उसको। लगेज लाओ।
क्या? ये ठीक नहीं है भाव। आंखें देखा तेरी, इधर ही विसर्जन कर दूंगा तेरा खड़े खड़े विदाउट वाटर, समझा ना? ए चिकने निकल इसको, थोड़ा सा आसरा कह दे दिया तो अंदर ही घुस रहा है तू। कभी खुद के हाथों से पैसा कमाया तूने? ये जांगे टूट जाती है जांगे, समझे? चल निकल, ए निकल इसको, चल चल निकल। जिंदगी जब उठा के पटकती है ना, तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था मेरे और समीर के साथ। सारी उम्मीदें, सारे सपने उस एक दिन में बिखर गए थे। देखिए कि बरातियों का जो स्वागत है पान पराग से हो। लीजिए, अजय भी आ गया। आओ अजय, आ जा बेटा, चेयर ले ले बेटा। अजय हाँ, ये देखो बेटा, राधिका। राधिका नहीं जी, गीतिका। ओ अच्छा, गीतिका। ओ नाम ना याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये मेरा बेटा है, 12th में है, इंजीनियरिंग करना चाहता है। ओहो, आई एम सो सॉरी। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये भी इंजीनियर है। क्या क्या पूछना है? कुछ पूछना नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता है चीजों के बारे में। क्या पूछोगे? क्या हुआ, क्या? कैसी बातें कर रहे हो अजय? कुछ नहीं, कैसी बातें कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। सर शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और किस्मत से नाकारा हूँ। आज मुझे मेरी इकलौती नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने का प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया। अब स्टार्टअप भी नहीं है क्योंकि जो स्टार्टअप के लिए जो आदमी मुझे पैसे देने वाला था, उसने एकदम बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। तो अपना नौकरी है ना, स्टार्टअप है। हाँ, एक लोन है हमारे सर पे 16 लाख का, एजुकेशनल लोन है जो हम चुका नहीं। उसकी वजह से मेरे पिताजी मुझे बहुत ताने मारते हैं। मेरे पापा इसीलिए मेरी शादी कराना चाहते हैं ताकि दहेज के पैसों से लोन। अच्छा मम्मी, आपने वो कंगन जो दिए थे बहू के लिए, मुझे बेचने पड़े, वो टोकन अमाउंट देना था मुझे मेरे ऑफिस के लिए। तो जी मैं बिल्कुल कंगला हूँ इस टाइम, एकदम कंगला। देखिए ये सारी बातें सुन के आप फिर भी इसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी को मेरी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपके इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं डाउट था। अच्छा बस, रहने दीजिए। क्या गलत कहा इसने? अच्छा है बल्कि सच बोल दिया, धोखा नहीं दिया। आप तो शायद हमें धोखे में रखकर दहेज भी ले लेते। चलो कहाँ ले आए आप भी हमें यहाँ रिश्ता जोड़ने। आ जाइए, चलो जी। क्या ये बैंडी? बेटा अरे अरे ये अरे ये अपनी लड़की भूल गए यहाँ पे। मम्मी इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, रात को कैसे जाएगी अकेली। आंटी मैं आ रहा हूँ। उठ जा, ये दरवाजा है, निकल जा घर से, जा हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे, जा। बेइज्जती कर ली मेरी, हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे, आज परायों के सामने बेइज्जती कर दी उनसे मिलके, दहेज लेने वाला दरिंदा बना दिया मुझे। यही कसर रह गई थी ना, क्यों आया था यहाँ पर इस बार? अरे मर जाता कहीं के, डूब मरता के ट्रेन के नीचे आता, बीच में नहीं पड़ोगी। नहीं मैं कह रहा हूं दोनों मिलके इस घर में ऐश करो, मैं चला जाता हूं घर छोड़ के, मना मुंह देखना मेरा।
सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। एक झटके में सारी दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं साले। जेब गरम करने के लिए तो इतनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत की है यार। और यार मैं तो जिस लड़की से प्यार करता था मैं तो उसके भी लायक नहीं बन पाया यार, सब वर्थलेस है यार, लूजर्स हैं यार हम, लूजर्स हैं। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था, वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया यार। और सही तो कहता है यार मेरा बाप, नकारो हूं मैं साला, हर काम में तो नकारो हूं यार मैं, बाप की बेइज्जती की यार, मां का दिल दुखाया। पर मैं मर जाते हैं यार सब, मर जाते हैं। तेरे को पता है मैं खुद सोच रहा था इस बारे में, लेकिन अभी तू साथ है ना तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। तू सही कह रहा है यार, मर जाते हैं, मर जाते हैं। कूद ना पाओगे। अरे मोड़ो मत, कंसंट्रेशन टूट जाएगा यार। देखो अगली ट्रेन आने वाली है, वैसे ये भी निकल जाएगी जैसे पिछली 5 निकल गई। सुन बे, तुझे बीच में बोलने को किसने बोला? बीच में काम है तो 4 फीट दूर बैठा हूँ। बीच में बोल तो रही हो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाते? Well, I have rejected this idea long back. और सुनो, खुदकुशी करने के ना 2 ही कारण होते हैं, एक नौकरी और दूसरी छोकरी, तुम्हारा कौन सा वाला है? सुन बे वो सस्ते नवाज, तुझे क्या है बे? मुझे क्या है, आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सालों पहले ना मैं भी नौकरी तलाश करने आया था, नहीं मिली तो सोचा यहीं कूद के। मैंने फिर अपना बिजनेस खोला, 5-6 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर है, यू नो 40-50,000 रुपीज पर मंथ, और वो भी बिना GST के। चलो अब हम निकल रहे हैं, हमारे धंधे का टाइम हो गया। उस भिखारी की बात सुन के बचा कुचा नशा भी उतर गया, और जब नशा उतरा तो हम ब्रिज से उतर गए। उस वक्त हमारे दिमाग में जो चल रहा था ना उसे सोच के अब हंसी आती है। यार मैं सोच रहा था क्यों बिना बात का इतना हंगामा करना है, यहाँ मरेंगे साला, अखबार में फोटो छपेगी, न्यूज एंकर आएंगे चिल्लाएंगे चैनलों पे, क्यों करना है यार ये सब? मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं, आराम से सुकून में सुनसान में मरें, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा भाग गए तुम। करेक्ट, अच्छा प्लान है। और जब कल मरी रहे तो क्यों ना 8 बजे मरे सुबह? लेकिन 8 ही क्यों यार? वो गुरुजी कह रहे थे कि इस हफ्ते जो भी नया काम शुरू करो सुबह 8 बजे शुरू करो, अच्छा मुहूर्त है। अबे कैसी बातें कर रहा है, निकल अपने गुरुजी की धोती से बाहर यार, तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है शिल्पा से जो मुहूर्त के पीछे पड़ा हुआ है। शादी की बात नहीं है यार,
एक बार जरा सोच ना, अच्छे मुहूर्त में मरेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में किसी टाटा बिरला के घर में पैदा हो जाएं, वरना यही फटीचर जिंदगी मिलेगी यार दोबारा। तो तू सही कह रहा है। कहाँ चले? तो अब हमारे पास था मरने का एक मुहूर्त, एक जहर की पुड़िया और एक दिशाहीन सफर जो सुबह 8 बजे जाकर खत्म हो जाना था। लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि आगे हमारे साथ जो होने वाला था वो हमें हिला कर रख देगा। This is my seat. Okay. Out. टिकट अरे मैं टिकट के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा कर लो, खड़ा हूँ मैं। मुंबई लोकल टिकट, मुंबई लोकल। आप निकल गई, बस आ गई में गिर गई है, देख के मेरी है, ले लो। गंदा चेक कर लो। अरे तो अपने पास रख। अरे भाई परदेश का मामला है, एक बार फिर सोच ले। अरे अब आप समझ नहीं रही हो, यहाँ खेती बेती में कुछ नहीं रखा है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी और मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा। अच्छा भाई ख्याल रखियो, खुदा हाफिज। चलो चलो क्या सोच रहा, चलो फिर। अरे चलो यार, मियाँ आखिरी टेम्पो है, कहाँ चल रहे हैं? खड़े खड़े क्या सोच रहा? अरे इतनी ठंडे पड़ रही है, सिकुड़ के छू आ रहा हो जाओगे, जल्दी करो मियाँ। अरे चलो चलो चलो, अरे बहुत जगह, अरे चलो चलो, अरे दूल्हा अभी चली गाड़ी और ये चली अपनी सवारी, वाह 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 वाह, अरे 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 अरे, ये भोपाल के स्टैंड बहुत दौड़ा रही है, इसका पेट खराब है। अरे बबन, ए बबन, अबे आज भी पैदल जा रही है, आ जा टेम्पो में बैठ जा। अरे आ जा, इससे पैसे कौन मांग रही है? आ जा आ जा आ जा आ जा, आ बैठो। अरे जगह बना जा रहा, दो दो गिरो बेटा भाई को। आ गया आखिरी गांव सलामतपुर। अरे 20 रुपए निकालो मियां। समीर समीर, रुपए निकालो जी। पैसे तो नहीं है, जेबें कट गई कि घर से ही नंगे चले थे? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए उस्ताद जी। पहले बताना था,
कि टेम्पू पानी से नहीं जल लिया, डीजल से चल लिया और दिल जल लिया है। दरअसल आपने इतनी जल्दी में बिठा लिया कि कुछ। वाह मियाँ, मैं आपसे जल्दी में कहूँ कि मर जाओ तो जल्दी में निकल लोगे हैं? अरे देख के बैठना चाहिए, शकील से तो पढ़े लिखे लग रहा जी, है भी। अच्छा चलो जा जा जा, छोड़े 20 रुपये, 20 रुपये की हमारे लिए मुगफिरत की दुआ कर लीजिएगा, निकलो। थैंक यू, सॉरी। बबन सोता ही रहेगा क्या, तू भी निकल ले। खाने के पैसे हैं कि भूखे ही फिर रहा हो? सुनो भाई, ये लो, कुछ खा ले। यार जिंदगी में कोई पहली बार मिला जो बिना किसी मतलब के पैसे दे गया। हाँ, मगर हमने क्यों ले लिया? अरे भाई 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 नहाते नहाते जिंदगी निकल गई, मजा आ गया, अब बहुत भूख लगी। तू यार अलग ही मस्ती के मोड में। हम यहाँ मरने आए कि पिकनिक बनाने आए? कभी नहा लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी मुँह लेते हैं। अरे यार, तो ये भूख से मरने की बात थोड़ी ना हुई थी, 20 रुपए हैं हमारे पास, किसी को दान कर जाते हैं। अरे हाँ, वो तेल बदल लो यार, क्यों मगजमारी कर रहे बेवजह में तुम भी यार। कितने का बॉस एक प्लेट? 20 रुपए की है। 20 रुपए? एक दे दो। बंदे तो 2 लग रही हो मियाँ। हाँ लेकिन रुपए 20 ही। ये लीजिए मियाँ, 20 रुपए की दवाएं दे देना, जो मरे भूखा उसे घर में सूखा। लीजिए लीजिए, खाइए खाइए खाइए। अरे यार दिल बदलने भाई, अजीब आदमी है। ओह पाल्टी तो यहीं बैठी है, उतरो। तो इसी बात पे शेर अर्ज किया है। इरशाद बोलो। जी भाई। अपना इरशाद साथ लिए घूमते हैं, किसी के मोहताज नहीं है।
तो अर्ज किया है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाह वाह। आए हैं लेने तीन, जाएंगे चार बनके। लेकिन भाई हम तो पांच हो गए। अबे मैथमेटिक्स मत घुसा शायरी में। शायरी में 19-20 तो चलता है। तो हाँ सलामतपुर आपका खैर मकदम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सबसे आगे के डब्बे में बैठे थे क्या आप? आप हमसे ही बात कर रहे हैं? और क्या, मौसम गुल से कह रहा हूँ, शेर से ही आ रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों? अब क्यों का जवाब तो अल्लाह में ये जानता है, अपन तो बस इतना जानते हैं कि शेर से आ रहे हो और घड़ी दो घड़ी के मेहमान हो। ये आपको कैसे मालूम? ओ अपन को तो ये भी पता है कि कटप्पा खाने बाहुबली को कैसे मारा, कैसे मारा। अब तुम तो हाँ अपने मेहमान हो तो खातिरदारी पूरी होगी। और पुरन इनको खिला दो चूरन और सारा हिसाब अपने खाते में लिख दियो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये? ओहा समझने की इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। वो बलवाई कह रहा था शादी में दो लौंडे आएंगे शेर से, उनको ले आना। तो ये रे लौंडे, वो रही शादी और ये आ गए हम लेने। चलो यार ये अजीब आदमी है, छोड़ना, अपना मुहूर्त जा रहा है। और मुहूर्त तो हाँ शाम का सेट हो गया है, तब तक के यही फसक्का मार के बैठे रहोगे? उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो गया, जल्दी चलो। अबे चलो नहीं तो लौंडे गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ चलो। अबे क्या चीज है यार ये, छोड़ना इसके लफड़े में। नहीं, नहीं क्या हो रहा है ये ना, हमें कुछ और समझ रहा है। ठीक है अभी चलते हैं, वहां से कहीं इधर उधर हो जाएंगे, वरना ऐसे ही बोलता रहे यार। क्यों जबरदस्ती? चल वरना। हाँ चलिए चलिए चलिए। नाजुक लौंडे संभाल के उठाना। और हाँ एक बात बताएं, अपन की गाड़ी हवाई जहाज के डीजल पे चलती है, जरा सीट बेल्ट बांध लियो। और इरशाद ये लौंडे शहर से नंगे बदन ही आ गए, सर्दी लग जाएगी, जैकेट दे देना। अरे हाँ साहब, अरे माफ करो, जान दो, ये हमारे गांव के प्रोफेसर खां हैं, ज्यादा पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए ने खुद नहीं पता कितना पढ़ लिए। अब पता नहीं पागल हैं या पागल बना रहे हैं, ये तो पता नहीं। चलो आ जाओ। और हाँ जिंदगी से बात की, कश लिया और चल दिया, जिंदगी के झूठ को छल्ला समझ लिया। अरे चाचा महफिल सजी रखी है। अरे मगर तू भी तो कुछ सुना। तो लो धमाका, रायता फैला दूंगा, संभालो इन्हें। तेरे चक्कर में सुसाइड का पूरा टाइम निकल गया। तू फिर सुसाइड की बात करे जा रहा है, और यहाँ जो लोगों के चेहरों पे जो जिंदगी दिख रही है उसका कुछ नहीं। साले तेरी पहले दिन से फट रही है, तेरी ब्रिज पे भी फटी थी, तेरी आज भी फट रही है मरने से। तेरे को मरना नहीं था तो मेरे को पहले बोलता ना यार। मेरी ब्रिज पे भी फट रही थी, मेरी आज भी फट रही है, तेरी नहीं फट रही ना। ये ले जहर की पुड़िया, तू खा और जा मर जा, जा मर जा ना। अब बात कर रहा है यार, हम क्यों मरना चाहते थे? क्योंकि शहर में ना दम घुट रहा था हमारा, वहां का जो प्रेशर था, जो भाग दौड़ थी ना तुझसे हैंडल हो रही थी ना मुझसे, तेरा प्रमोशन, मेरी स्टार्टअप इसी में अटके हुए थे हम। और यहां देख यार, यहाँ की हवाई अलग है। ये क्या, ये कपड़े, ये कभी हुआ हमारे साथ ऐसा कुछ? और इन लोगों को देख यार, इनको सालों को खाने कमाने की कोई चिंता ही नहीं है, ये कल कल की सोच के नहीं जी रहे हैं, हम साले आज की चिंता में मरे जा रहे थे। एक बार बस देख तो सही इनके चेहरों को। देख रहा हूँ इनके चेहरे भी, देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि तुझे लड़की का चेहरा दिख गया साले। चमक चमक के, मटक मटक के, लपक लपक के नाचे, चमक चमक के, हपक हपक के, उलट उलट के नाचे। मुझे ना सुकून दिख गया, और यही वो सुकून है जो तू और मैं ना शहर में खोज रहे, क्योंकि ना जिंदगी लटक गया। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे चलो, अरे जल्दी आ वाले बोले बोले आज आखिरी दिन है।
लौटा पाए। असली सुसाइड क्या होती है, उस दिन अपनी आंखों से देखकर हम डर गए थे। उस किसान का दर्द, उसकी तकलीफ शायद हम समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो दारू पीकर मुहूर्त निकालकर सुसाइड करने चले थे। उस लटकती हुई लाश को देखकर हमारे अंदर कुछ चुप गया था, कुछ अटक सा गया था। क्यों का पठान, बताओ कितनी आसान हो गई है किसान की मौत सिर्फ 10,000 के लिए। ये डाला फंदा, ये छोड़ी जमीन और ये जा वो जा। वेलकम टू कर्जापुर। Alarmingly, on an average, 8 farmers have committed suicide in the state every day in the last 4 years. And that is just official. You okay, beta? Yeah. क्यों नहीं लग रहा है? क्या होता तो शायद आजादी के बाद से लग ही नहीं रहा है। कितनी बार मिला चुकी हूँ, आप कुछ पता करेंगे या यूं ही बैठे रहेंगे? शहजादे सलीम को कोई फिक्र नहीं है, और माँ जोधा जो हैं पैर में करंट लेके घूम रही, परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। खाना लगाओ। अरे खाना लगाओ, तुम भी खाओ, बहुत देर हो गई है। चलो चलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब गांव वालों को ये तो पता चल ही चुका था कि हम बलवाई के दोस्त तो नहीं थे, और हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी भी बता दी थी। ये बोल रहे थे इनके हाथों से खाने की प्लेट छीन ली और तो और कुर्सी से भी उठा दिया। हुआ तो था ही। ये सही रही खां, आखिरी हिच की तरह जानू पे निकले। मौत भी मैं शायर आना चाह रहा हूँ। अबे मरने का भी कोई मुहूर्त निकलवाता है? जीने की औकात नहीं है, मरने चले फगट्टे शहंशाह। देखो मियाँ, हमारे गांव का एक उसूल है, बुलाए गए मेहमानों की तो हम खातिरदारी करते हैं, और बिन बुलाए मेहमानों की डबल खातिरदारी करते हैं। तो जब तक इस गांव में हो हमारे मेहमान बन के रहो। ऐसा है बलवाई, तुम तो संभालो हलवाई, इन्हें अपन संभाल लेंगे। अरे भाई आगे का क्या प्रोग्राम है यार, खा कुछ सोचे? सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाएं, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। सवाल ये फड़फड़ा रहा है कि करोगे क्या? कुछ भी काम कर लेंगे अपन। यहाँ देखिए, आपने कपड़े तो दे दिए हैं, वो कैसा भी काम चलेगा, कोई भी छोटा मोटा काम। कुछ भी कर लोगे हैं? मैं काम तो कर लोगे, लेकिन रहोगे कहाँ, खाओगे क्या हैं? ऐसा ख्याल दिमाग में लाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, पप्पन खा गए दरवाजे तुम्हारे लिए खुले खड़े हैं, बस दादी को संभाल लियो। अरे गुसलखाने में टिका दे इनको, या आंगन में खोद के सुला दे। पप्पन भाई, अरे आ जाओ कंघा कर लो, जल्दी आ जाओ यार। अरे क्या मुसीबत है यार, कंघा भी नहीं करने दे। ओहे ऐसे क्या घूर रहे हो, मूछे खुद की हैं पर्सनल? शकल से तो कमबख्त डकैत लगते हैं, सारा माल लेके उड़ जाएंगे। तेरे पास कौन सा कारू का खजाना छिपा है जो लूट के ले जाएंगे? नोटबंदी में 500-500 रुपए के 3 नोट निकले थे इसके पास, वो भी किसी काम के नहीं, इतनी देर से निकाले। तुझे बताया तो था अपन के दोस्त थे, शेर से आए हैं। देखो खा, दादी की बात का बुरा ना मानना, क्या है ना इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, इसलिए मिसिंग करती रहती है। तेरा बाप आया था रात को, कह रहा था कि अम्मा बहुत रोती है, उसे यहीं बुला लो, समझे?
आपके माँ बाप कहीं बाहर रहते हैं? ओ नहीं खान, अपन के अब्बा थे किसान, कर्जे के बोझ से लद लिए, घर में भुखमरी छा गई, अपन पटरियों पे आ गए और जिंदगी ट्रैक से उतर गई। तो खान ऐसे ही एक दिन अब्बा अम्मी के पास यूं ही मोड़ में आए और कहने लगे, डार्लिंग लेट्स हैंग टिल डेथ। वो जो पेड़ देख रहे हो ना सामने, दोनों उस पर लटक लिए और अपन दादी की गोद में टपक लिए। तो हाँ उस दिन के बाद से दादी के एक हाथ में पानदान और दूसरे हाथ में पूरा खानदान, यानी कि अपन यानी कि पप्पन। तो चूंकि दादी थोड़ी पिंपड़ है इसलिए थोड़ी शॉर्ट टेम्पर है, दिल पे मत लेना। वैसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, मौत की तो हाँ यही तासीर होती है, महंगाई की चाबुक से जरूरतों की खाल उधड़ जाती है और मरने में लगता ही क्या है, घंटा। अरे घंटा भर से बातें कर रहा है, इनको गाने ही सुना दे। तुझे सुनना होगा गाना, इनके नाम पे बिल फाड़ रही है, कौन सा सुनाऊं? अरे तुझे तो जैसे 656 गाने आते हैं, कोई तो सुना दे। तो तेरा फेवरेट ही सुना दूं डार्लिंग? हाँ सुना दे सुना दे। आसमां पे हैं सितारे और यहाँ पे तुम, ताली बजाओ। आसमां पे हैं सितारे और यहाँ पे तुम, वो यहाँ पे तुम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे हुस्न से क्यों जले जा रही हो? हो गए ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है? अच्छा पपन भैया, ये जो दादी रात को कह रही थी, हम क्या क्या सच में डकैत लगते हैं क्या शक्ल से? अरे हाँ दादी तो अपन को भी डकैत समझ लेती है, उसकी बातों में मत आ जाना, दिमाग की वायर खसक गई है उसकी। चलो बेटा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं सच बताए, हमारी दादी है बहुत प्यारी। एक बात बताओ, अपन का गाना कैसा लगता है? भंगनाड़ गाते हैं ना? नहीं बहुत बढ़िया गाते। कभी बम्बई जाने का नहीं सोचा? अरे सोचा, अपन तो निकल लिए थे बम्बई, एक तरफ बंदों का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और वहीं हो रहा दमादम मस्त कलंदर। और ऊपर से तुर्रा ये कि यार खां को कोई पहचान ही नहीं रहा। भाई अपन तो वहां से पिन्ना के भाग लिए, तो भाई चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, और ये जो आ गई यही है अपनी मंजिल है। भाई पप्पन खां, एक बात हजम नहीं हो रही, गांव के लौंडे कमाने शहर की तरफ भाग रहे और ये शहर से गांव में। शहर की क्या बात करती किशन खां, शहर तो चिलम हुए पड़े हैं चिलम, गाड़ियों और फैक्ट्रियां धुएं के फुक्के छोड़े जा रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया, और भीड़ इतनी कि अपने खुजाओ तो दूसरे वाला कह रहा कि भाई मेरे क्यों खुजा रिया। ए किशन खां, ये लौंडे ना एकदम नीट क्लीन साफ शफाफ खुर्रम खुददार लौंडे हैं। मैंने कही भाई खाना अपन के यहाँ खा लियो, तो लगे कहन हमारे के हाथ पैर टूट गए, हैं कमांगे खांगे। मैं कहा फिर तो एक ही आदमी हेल्प यू एंड दैट इज यू। हाँ तो खाक क्या क्या कर सकते हो? अरे ये तो पूछो ही मत, ये तो इतने टैलेंटेड हैं कि गीले कपड़े से बिजली के नंगे तार साफ कर सकते हैं। पपन जी सर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम है। और जोर लगाओ खां, दम थोड़ा कम लग रही है। ये शहर के हाथ हैं नरम और नाजुक, ये काम ना होने का। या करारा नहीं मुलायम हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ यही काम दिख रहा है मुझे तुम्हारा लायक, पढ़े लिखे तो हो तुम दोनों, तो हिसाब किताब भी देख लेना है? दिन का 120 रुपया मिलेगा भाई, दिहाड़ी का यही भाव चल रहा है इधर। तो जी अपन ये रिश्ता पक्का समझे, मतलब कब से शुरू करना है? अरे रिश्ता बन गया तो अभी से शुरू कर दो। चलो गट्टा तुम दोनों इसके साथ जाकर खेत के लिए सामान ले आओ और दुकान भी देख लेना, हम जरा भोपाल में हकीम साहब के यहाँ होके आते हैं, कल रात से पेट में एसिडिटी चल रही है। एसिडिटी बोला? अरे एसिडिटी मतलब जलन, वो खट्टी डकारो वाली एसिडिटी अलग अलग है, सही है जगह। अरे दुबी जी यही ये लो दुबी जी, ये सारा सामान दे दीजिए। दुबे जी ये सामान दे दो फटाफट, तेरा जहाज छूट रहा है, फटाफट बतौले बतौले।
जी बाबू जी। ये ले गट्टे भैया का सामान दे दे फटाफट। अबे बंटी, सवेरे से एक ही कान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, दूसरे की बारी कब आएगी? एक सपेटा मालिक खेतान बना दूं तेरा मैं, फटाफट हाथ चला। ये साबुन ज्यादा नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा, लो भाई पकड़ो 450 रुपये। हाँ कितना? MRP तो कम का है। 450 कैसे हो गए? क्या? सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, MRP से ऊपर कैसे बेच रहे हैं आप? ये कौन? नहीं है, अभी काम पे लगे, पप्पन भाई के दोस्त हैं। दो रुपए की भीख 5 रुपए की सीख सरकार देती होगी अपने गाँव में। डिब्बे का तो यही दाम है, लेना हो तो लो, ये तो सामान ही रख दो। चलो रख दे सामान, नहीं चाहिए। नहीं, एक काम करते हैं ना, आप इसका पक्का बिल दे दो हमें। पक्का बिल ले लेते हैं। पक्का? इसे आंच में सेक दूं तब भी तो उसमें यही लिखा होगा। सुनिए मैं बताता हूँ, बिल पे ना एक नंबर होता है और दुकान का नाम छपा होना चाहिए, सरकार ये कहती है। करेक्ट। वो बिल निकाली। सरकार का पाठ पढ़ा रही है, हम ही को गणित सिखा रही है। जरूरत लग रही है। पैसे दो, मिले जा रही है। किसके साथ जा रही है? सहेलियों के साथ। तुम पैसे दो ना, छोड़ो बैठे रहो, मैं खुद ही ले लेती हूँ गल्ले से। अरे सोच समझ के निकालियो। अब मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो उस कंपनी का। अरे तुम तो वही हो ना जो बल्लू भैया की शादी में थे। जी। आए बाबू, देखो जैसे कैसे शर्मा रही है, जैसे दुल्हन तो यही हो। कहीं नहीं जी। कहाँ? घर। यहाँ मेला देखने के लिए रुके हो? अच्छा, मेला भी है? हाँ देखो, हमारे यहाँ का बड़ा शानदार मेला होता है, देखो। तुझे देर ना हो रही मेरे जाने की। अच्छा बाबू, टाटा। ए चकरिया, टाइम से आइयो। हाँ भाई, क्या कह रही है? हम कह रहे थे जो पक्का बिल है जिसमें दुकान का दे दे। कितने? 450 दे दे, बाद में बात करते हैं आराम से आके इसके बारे में। अरे यार बिल तो कम एक, एक, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया। गट्टे पूरे पैसे दे। मैं समझ रहा हूँ क्या काम याद आया, ये खत्म नहीं हुआ अभी। चलना चल, अच्छा बिल रहे। चल डर गए। ईमान से बताओ मियां, क्या खुराफात चल रही है? अरे वो दुबे जी की लड़की इशारा कर गई ना जनाब को, तो वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा ही। गुल बदन बुला गई तो जाना तो पड़ेगा ही। ब्रेक लगा के यार। 1 2 3 check 1 2 3 check। खुद हाँ तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बानदान, चुहेदान, इज्जतदान। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, एक ही हाथ में पत्ता पार देखिए, और खा मेरी हसीना का वार देखिए। ना 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 ना, यहाँ नहीं हुआ। मेले में घूमने के तेरे पास पैसे हैं, और बैंक का पैसा देने में तेरी मैया मर रही है। बाबूजी बच्ची जिद कर रही थी तो मैं लिया इसको। आइसक्रीम तक के पैसे नहीं, मेले घुमाने आया था। रामदास का कम ये आइसक्रीम खाना चाह रही थी, मैं पैसे नहीं थे, ऐसी मेले घुमाने आया था। सुनो का, ये बच्ची कोने में लेके जा। चल आंटी को, तेरी आंटी में क्या कर रहे हैं आप? ये बैंक से पैसा लिया है और आप पैसा नहीं दे रही है। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप मारेंगे उसे इतनी बुरी तरीके से। ओ पहलवान, क्या बहुत हाथ पैर मचल रहे हैं? कायदा कानून है कि नहीं है? हमको कानून बताएगा? चल बता। पप्पन देखो वापस चले गए। बड़ा हिमायती बन रहा है आपके, 2 मिनट नहीं लगेंगे। कबर खोद के एक हफ्ते के बाद फिर लौटूंगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तू जानता है पैसा कैसे निकाला जाता है। अरे उस्ताद माफ करो ना, मामले को रफा तो पकड़ो। चलो
गुंडे साले। ठीक है भाई देखो। किन्ने किया था बड़ी लकड़ी कब लाठी बन के खुद पे चल जाए पता नहीं चलता। कोई तो बचाओ। अरे भैया अरे भैया अरे भैया बचाओ यार। रुको भैया रुको। मुझे ना देखो दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे भैया मैं बंद कर दिया दरवाजा। क्या हुआ काका क्या हुआ। अरे देखो ना क्या कर रही है। इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पीछे कोई दरवाजा है। पीछे का दरवाजा है। इस तरफ से तोड़ के देखो ना। अजय ये फांसी लगा रहा है दरवाजा तोड़। ठीक है क्या कर रही थी। पागल हो गया क्या रामदास। फंदा लगा के तू तो निकल लेगा पर इनका क्या होगा सोचा है। वैसे भी इनका क्या हो रही यार। एक मुट्ठी गेहूं देखता हूं तो मन भर सोना नजर आता। खेती है नहीं फसल है नहीं। अरे किस बात के किसान है। हर रोज जागते तो दिन पहाड़ सा खड़ा हो जाता है कि आज भी रोटी नहीं मिलेगी। दिन बीतते जा रहे हैं और उम्मीद छोटी होती जा रही। बस एक दूसरे की शक्ल देख के जी रहे। एक दिवाला खाने के लिए 100 करवटें जागनी पड़ती है लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पेट में एक दाना पड़ जाए। इस कर्जे ने पेट के तने काट के रख दिए बाबू जी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का है। क्या फायदा इसके हर हिस्से में मौत लिखी है। लिखना मत थक गया हूं। अब थक गया हूं मैं। बाबा आप मत रो मुझे भूख नहीं लगी मैं सो जाऊंगी। काका मरने से कोई हल निकल रही है। अरे मेरे मरने से कोई इन पे तरस खा के खाना तो दे देगा। मैं तो रोज बनता नहीं देख सकता। इसे मत बोलिए आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे। भले ही आपके साथ भूखे ही क्यों ना मर जाए। देखिए जनाब मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं। जब रुपया लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वापस देने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं सर। कोई मजबूरी होगी ना कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए जनाब हमारी भी तो कोई मजबूरी है ना। हमें ये बैंक भी तो चलाना है ना। सर किसान सुसाइड कर रहा है। हर हफ्ते खबर आ रही है लोग अपनी जाने दे रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं तो उनसे नहीं कह रहा ना कि सुसाइड कर ली।
कहते रहते कि फसलें खराब हो रही हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फिर कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना। अब जब लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा। बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो मना नहीं कर रहे कर्जा देने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप उनसे इतना इनह्यूमन तरीके से बिहेव करें। अरे नहीं यार, आपको पता है आपके लोगों ने कितनी बुरी तरीके से मारा रामदास को वहाँ पे। देखिए जनाब, मैं आपसे बहुत शराफत से बात कर रहा हूँ। अरे आप शराफत से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप बात? मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मैं तेल छिड़क के आपके बैंक में आग लगा दूंगा। आप भी तो बात समझेंगे, पजामे के अंदर ही रहो, हम भी यहाँ कोई पोतड़े पहन के नहीं खड़े। गार्ड पकड़ो इनको, बाहर निकालो। पहलवान हाथ लगा के दिखा, ऐसी जगह दबाऊंगा कि अटैक आ जाएगा। चल भी जा, चलिए निकले बाहर। निकले हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ज्यादा फन फनाओ मत, बाहर जाइए। तमीज से बात कर रहे हो, पहले बता रहा हूं। तमीज से बात करें, बाहर जाइए। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ज्यादा फनाओ मत, बना के रखा है। चलो चलो, अब बताता हूँ गाँव वालों को कि मैं क्या। क्या बात करने आए थे यार हम यहाँ, और क्या बात हुई? मुझे क्या बोल रहा है यार समीर, उसको देखना अभी क्या करेगा मालूम नहीं है ना, जो भी करेगा साला। अरे चल बेटे, बिठा उड़त पक गई भैंस की आंख। देखिए आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक ने हमदर्दी का बर्ताव करके हमेशा आपकी मदद की है, लेकिन आज ये दोनों और खास तौर से ये शहजादे बैंक में आकर हमको धमकी दी। अब बैंक ने तय किया है कि अगर 6 महीने के अंदर इन 55 किसानों ने अपना कर्जा ब्याज के साथ वापस नहीं किया तो बैंक आपकी जमीन पर क्लेम कर देगा। क्या मामला है? अरे किसने भेजा हमको मालूम नहीं, जो बात हुई थी हमारे बीच में हुई थी और हम लोग वहाँ बात करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे। हम भी बात ही कर रहे हैं शहजादे साहब, बात ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अगर आप 1 सप्ताह में ये कर्जा वापस कर दें तो बैंक ब्याज माफ करने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अब पिछले 6 महीने से अच्छी फसल हुई नहीं। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाता हूँ बस। आप बैठे 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 साहब, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि फसल तो अच्छी हुई नहीं तो सब किसानों को नुकसान हुआ। हाँ तो बैंक अपना नुकसान करा ले, बैंक अपना नुकसान करा ले। ये है ना आपकी मदद करने के लिए, इनकी मदद लीजिए, कर्जा चुकाइए। मैं चला। अरे बात तो सुनिए मैनेजर साहब। भाई अजय, किसने कहा था तुम दोनों को वहां जाकर लड़ने के लिए? हाँ बताओ तो। अरे किशन भाई, लड़ने नहीं गए थे, बात ही करने गए थे। और जितना सीधा दिख रहा ना उतना ही कमीना आदमी है ये। तो बोल मत, तू वही है ना मेरी दुकान पे आया था, मुझसे बहस कर लिया था। ये आदमी है ही ऐसा, मैं बता रहा हूँ, इसने बैंक मैनेजर साहब ने जरूर गाली गुप्ता की होगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा था कि नई मुसीबत कहाँ से खड़ी हो गई, अब इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सरपंच जी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसने अपने रिकवरी एजेंट भेजे थे और रामदास को मार रहे थे मेले में। अरे चुप कर, मार रहे थे रामदास को अपन? ये कैसे वाले जयबुरुली आया गांव में, गांव का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। अरे दुबे जी मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों भाई? देख भाई मसला तो बिगड़ गया है। अपन मियां मसला हुआ है लेकिन हम लोगों के पास 6 महीने भी तो है ना। अरे 6 महीने में क्या होगा, 6 महीने में खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, कुछ तो होगा। खेती? अब तुझसे पूछ के खेती करेंगे? अरे खेती करना तो पहले ही कर लेते। सरपंच जी ऐसे निराश होने से तो कुछ नहीं होगा। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान हैं, मुझे लड़ना आता है? एक खपच्ची से बदन तेरा बड़ा फड़फड़ा रहा है, कुश्ती करवाओ तेरी? अरे ऐसे लोग दोस्त कैसे आए गाँव में? बाहर निकाला रे। अरे 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 खेती करेगा तू? तूने आज तक एक पौधे में पानी भी दिया है क्या? आज डायरेक्ट किसान? अरे तो मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा यार खेती, सब लोग करेंगे ना। और इंसान सब कुछ सीख के पैदा होता है क्या? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार? बहुत कुछ कर सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ इस देश का, इस गाँव को गोद ले लूंगा, इसका सारा कर्जा उतार देंगे। क्या बोला आज वो सरपंच? अगर खेती से हो रहा होता तो ये लोग कब का कर्जा चुका चुके होते अपना। लौंडा के तो सही रहा है, अपनी आंखों से देखा है, बीज खाद लेने में हालत पतली हो जाती है। और उसको खरीदने के लिए पैसे? अरे बब्बा, डकैती डालने क्या इन दोनों ने? अरे दादी डकैती पड़ी नहीं है, डकैतों को दावत दे के आए हैं। क्रांति थोड़ी जल्दी कर दी, हाँ टेम से पहले। मैं कुछ बोलूं? बीज खाद का तो हो जाएगा। कैसे? मेरा बाबू गांव वालों को महंगा बेच के खूब बीज खाद बचाता है, वहां से।
अरे तेरा बाबू एक नंबर का कंजूस है झुमकी, देख बुरा मत मानना। उसको कहेगा कौन? दुकान की चाबी अपन के पास है, जितना चाहो निकाल लो। वाह क्या बातें हो रही हैं यहाँ, तो अब हम चोरी करेंगे? खैर तू तो कर भी सकता है, तूने अपने घर में करी है तो यहाँ तो कर ही सकता है। समीर तू पर्सनल हो रहा है तो यहाँ बड़ी प्रोफेशनल बातें हो रही है, पर्सनल ही है सब कुछ। तेरे को यहाँ पर अपना स्टार्टअप नहीं दिख रहा क्या? हम मरने आए थे यहाँ पर और अब तेरे चक्कर में सारे गांव वाले मरेंगे। मरने आए थे? कुछ नहीं हुआ, ऐसी बकवास। पता ना इसको, बताओ ना, हम यहाँ सुसाइड करने आए थे। सुसाइड? ठीक है एक काम करते हैं, तुझे खुदकुशी करनी है ना, इस गांव में बहुत सारे कुएं हैं, किसी में भी कूद के जान दे देते हैं अपनी। अरे कुआं तो हमारे घर के पीछे भी है। अरे दादी चुप हो जा। मगर मरने का चक्कर क्या है? हाँ तो एक काम करते हैं, कुएं में कूद जाएंगे, वहां पर हमें कुबेर का खजाना मिलेगा ना, जिससे इन लोगों का कर्जा उतर जाएगा, फिर ये लोग तरक्की कर लेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे इंजीनियर बन जाएंगे और फिर वो हमारी तरह जाकर शहर में जूते चटकाएंगे। अरे क्या बोल रहा है यार तू समीर, क्या बोले जा रहा है? मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तू अपना लेके शुरू हो जाता है। और तुझे नहीं करना तो तू मत कर भाई, तू जा मैं कर लूंगा। तू अकेला नहीं है जिसको यहां पर सबके दर्द की पड़ी हुई है। अकेला कर लूंगा। और अकेला तो कर रही थी तूने जाकर वहां बैंक में बात, और यहां चौपाल पे भी, और बंबई में भी, तो तू अकेला ही काम कर रहा था ना, क्या उखाड़ लिया? और तूने क्यों उखाड़ लिया? बोलना तूने क्यों उखाड़ लिया? साले तुझे मरने के लिए भी ना मेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी पनौती तू खुद है। अब अपने पंडित के पास जा मुंबई में और उससे एक और अंगूठी पहन ले, तू जा यहां से। आज मैं पनौती हो गया, ये बात मेरे को देखकर बोल। हाँ तू पनौती है तो तू एक काम कर, एक सेकंड, तू एक काम कर, अब अपना जीवन ना तू इस पनौती के बिना कर। हाँ कर लूंगा, तू जा यहां से। ठीक है जाना यहां से, तेरे को तो नई फैमिली मिल गई ना। सुनाया जा रहा है तब से, सुने जा रहा हूं मैं। अरे पापा एक तो लूट के भाग गया, दूसरा भी जल्दी भाग जाएगा। दोखा, आज तो पैसे में से है कि नहीं तुम्हारी जेब में, और वो तुम्हारा साथी कहाँ गया? साहब कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो रहम करो साहब। देखिए रहम तो वो दोनों ही करेंगे तुम्हारे, यहां से कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे चलिए ना भाई, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ जो भी हुआ उसके लिए, बस एक बार मेरी बात की कोई जरूरत नहीं तो भागो यहाँ से। सरपंच जी सरपंच जी, अगर एक बार हम सब ने जमीनें मिला ली ना साथ मिलके। अरे कोई जमीन नहीं देनी, कोई खेती नहीं करनी, चलो भाग जाओ यहाँ से, भागो। खेती करने आए हैं, बड़ा आया, चलो भागो। यहाँ यू ही मुसीबत में है, ऊपर से ये हमें सिखाने चला है। ये ले, छह महीने की तेरी दिहाड़ी एक साथ। गांव के लिए बहुत काम करना है तुझे, इतनी तो मदद कर ही सकता हूं, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ वजह तो रही होगी ना कि ऊपर वाले ने हमें मरने से बचाया, कुछ तो होगा। अरे हाँ होगा तो वही तो मंजूर है खुदा होगा, लेकिन सवाल ये मुंह फाड़े खड़ा है कि होगा क्या। अरे वो लपक मार पैसे ले गया मेरे, दो बूट मार के उसने ढक को रोका क्यों नहीं? अरे दादी रोक के ही तो फंस गया, लोग उड़ता तीर लेते हैं अपन उड़ता भाला लिए बैठा है, अब किस किस को समझाएं, पूरा गांव गुस्से में पिनपिना रहा है इसके ऊपर। तो बोलना इसे कि ले लिया तालाब में डूब के मर जाए, मौत पड़े गाँव ही सारा जज्बाती है,
अरे जब तक ये मरेगा नहीं गांव वाले को पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्या 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 बोला दादी, दोबारा बोलना जरा। अरे वो तो मैंने पिछले साल बोला था, अब तक याद रखूंगी क्या? अरे हा? वो नहीं, अभी अभी जो बोला था वो क्या बोला था? अरे भाई, अरे क्यों चिंगारियां कुरेद रहे हो, दादी के दिमाग के शोले भड़क जाएंगे। चिल ब्रो, दादी कभी कभी ऐसे जज्बाती उल्टियां करती है। हाँ, जज्बात है? जज्बात बोला था? हाँ तो जज्बात की तो बात है, और जज्बात से ही बात बनेगी पप्पन मियां। दादी क्या आइडिया दिया है डार्लिंग। मैंने कुछ नहीं दिया इसको पप्पन, ये झूठ बोल रहा है। कपड़े उतार के नंगा करके इसकी तलाशी लो। अरे आपके लिए तो मैं नंगा भी हो जाऊंगा दादी। चलो पप्पन मियां। अरे नंगा झोरी करूंगा इसकी मैं। ना 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 ना, ये क्या कह रहे हो अजय भाई, हमसे ना हो पाएगा ये। किशन भाई देखो, आप जवान देके मुंह कर रहे हो। जब मैं भैंसों को नहला रहा था, आपने खुद बोला था कोई भी मदद की जरूरत होगी आप करोगे। तो मदद का बोला था ना, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे किशन भाई कुछ नहीं होगा, देखो देखो मेरी जिम्मेवारी है, आप ना बस थोड़ा हाथ हल्का। हाथ भारी पड़ गया तो? ना ना ना, हमसे ना हो पाएगा। किशन भाई जब लोंडा इतना गिड़गिड़ा रही है तो मान जाओ ना, बस अपन को बता देना एंट्री कब लेनी है, लपक के आ जाऊंगा और झपक से मामला। ना ना पप्पन खा, मैं हमसे ना हो पाएगा ये, मैं बता रहा हूँ सुनो। झुमकी झुमकी कुछ बोलेगी, झुमकी बोलो। किशन भैया मान जाओ ना, गांव का मीटर है। अरे नहीं नहीं, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करें। ले आओ इसे, लेकर आओ साला, नहीं तो बन रही। अरे कैसी बात कर रहे हो, गांव के मारने का प्लान बना दिया इसने, अब साले इसको ही लटकाते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार तुम। सुनो गांव वालों, इसका दोस्त तो भाग लिया हम गांव वालों को फंसा के, पर इसे ना छोड़ेंगे। इस साले को यही इस चौपाल में लटकाएंगे। किशन भाई कैसी बातें कर रहे हो, अबे मुझे नीचे लो वापस, गांव वालों मेरी मदद करो। फांस लगा रहा है क्या, कोई मीटर हुआ है क्या? अबे ये क्या मसला है, नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे किशन लटका क्यों रहे हैं, सही कर रहा है किशन दा, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ चलो मजा ले, चलो चलो चाचा वहीं चल के देखते हैं। मुझे एक मौका दो गांव वालों से बात करने का। अबे चुप, हराम खोर मौके की बात कर रही है। अबे गांव वालों के लिए तो एक भी मौका ना छोड़ा तुम्हें। चलो बे, एक मिनट रस्सी मजबूत देख रही, चेक करो। अबे मुंह क्या देख रही है, चेक कर। अरे गांव वालों रस्सी जल गई, अरे रस्सी जल गई, तुम कुछ करो। इसको पैरों से उल्टा लटका। अच्छा, और इसका वर्णी चेक कर ले। खींचो बे, अरे क्या दुलम कर दिया, अरे लटका दिया अपन का यार को। अरे पप्पन भैया बचा लो मुझे, देखो मेरा क्या हाल कर दिया लोगों ने। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अरे छोड़ दो नहीं तो पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। अरे हम करता हूँ। देख पप्पन, पूरे गांव का मीटर है, तेरे कहने पर ऐसे छोड़ूंगा इसे। अरे सरपंच जी फरमान जारी करो, रोको इसे। अरे सरपंच जी मैं कह रही हूँ, मेरे पास ऐसा प्लान है कि सारे किसानों का फायदा ही फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुनना तो ठीक है मरने दो मुझे। अबे रस्सी खींच, हमें बता रिया है इन सारे किसानों की परेशानियों की जड़ इस वक्त तू है। किशन लाल सुन लेते हैं कि लौंडा क्या कह रहे हैं। अब क्या सुनना है, हमारी जिंदगी गुजर गई खेती करते करते, और ये बोल लिया खेती करने के 6 महीने में। अरे अरे मैं कह रहा हूँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है गांव के किसानों की परेशानी की जड़ क्या है। अबे चुप, हंसी खींच। नहीं नहीं, उतार उतार उतार, इस बार गले में डाल। अरे किशन भैया ये कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो ना एक बार। सुनाओ तुझे अभी। गांव के अंदर इतनी मौत हो रही है, फिर भी किशन लाल इसको क्यों लटका रही है? अरे सही तो कह रही है झुमकी, एक बार सुन लो ना क्या कह रही है। क्यों भाई खां? किशन जरा सुन तो ले, ये क्या कह रही है? अरे अरे अरे, अरे भाई किशन हम ऐसे नहीं है कि आदमी को मार दें। अरे पहले इसकी बात तो सुन ले। देख सरपंच जी के कहने पर तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ, जो बोलना है जल्दी बोल डाल। अरे अब बकेगा भी क्या, सबका मुंह चाक रहा है। हाँ देखिए, अगर सच कहूं तो इस गांव की सबसे बड़ी और पहली समस्या यह है कि इस गांव के जितने नौजवान थे वो तो सब शहर भाग चुके हैं नौकरी करने के लिए। अब ये बूढ़ी हड्डियां कैसे उगाएंगी फसल, इसीलिए हमारी उपज अच्छी नहीं होती है।
सरपंच जी सच बताइएगा, जिस दिन मैं शहर से आया आपका लड़का नहीं जा रहा था शहर। दूसरी समस्या, आज जमीन पर खेती करने की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस गांव में किसी को भी कोई नई तकनीक के बारे में पता है? पता है इस गांव में? लो अब ये सिखाएगा हमें तकनीक। क्यों क्यों रामदास, क्यों नहीं सिखा सकता तकनीक? अरे इंजीनियर हूं, सारी पढ़ाई लिखाई झोंक दूंगा अपनी। गांव को मुसीबत में झोंकने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू? बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं किशन भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। अरे हमारे देश का जो किसान है ना, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके सर पे कर्जा है या सरकार उसकी मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या तो उपज की है, हमारी उपज ही उतनी नहीं है। रामदास एक फसल में कितना किलो अनाज आ जाता है? ये लगा लोगे एक हेक्टेयर में 800-900 किलो। आपको बताए बाहर का किसान एक हेक्टेयर में कितनी फसल उगाता है? कितनी? 3000 किलो। है? खुल गई आंखें? 3000 किलो। अब सोचिए अगर एक हेक्टेयर में आप लोगों ने 3000 किलो कर लिया, आपको चाहिए किसी सरकार की मदद? आप लोगों के सर पे कोई कर्जा होगा? नहीं होगा ना। अरे थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होगी जो मैं कर लूंगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आप लोगों के पास है, जमीन। जमीन? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम लोग अपनी अपनी जमीनों पे खेती करते हैं, उससे अब तक क्या हुआ? उससे कुछ होगा भी नहीं सरपंच जी, क्योंकि हम लोग इस देश में टुकड़ों में खेती करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सब अपनी जमीन मिलाएं और एक बड़ी जमीन पे खेती करें, फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखिएगा। मुझ पे एक बार विश्वास तो करके देखिए गांव वालों, मुझे एक बार एक मौका देके देखिए बस। चलो भाई अब ये किसानों के नेता भी बन गए हैं, कोई ना मानने वाला तेरी बात, देख नहीं रहा सब सन्नाटे में खड़े हुए हैं, तब समझ नहीं आ रही कुछ। भाई खेती के लिए देखो बीज लगता है, खाद लगती है, दवाई लगती है, अब इतनी बड़ी जमीन के लिए कहां से लाएंगे? हां कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? झुमकी तुम कुछ बोलना चाहती थी शायद, बोलो। मेरे बाबू देंगे। हाँ क्या बात है? कौन बाबू? बीज खाद दवा आधी कीमत पर। कौन बाबू? तू बाबू? पगला रही है क्या? अरे पगला नहीं रही बाबू, तुम्हारी इज्जत बढ़वा रही हूँ। वैसे भी बाबू गांव वाले मानने वाले ना है। देखो गांव वालों, दुबे जी ने बीज और खाद का वादा कर दिया, ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है, आप लोग बस अपनी अपनी जमीन एक करने का वादा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। झूठ बोलो दुबे जी का मरा मुंह देखो। बात तो सही कह रहा है लौंडा, जब से मेरा लड़का शहर गया है मेरी जमीन वीरान पड़ी है, अब इस उम्र में इन हड्डी से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता, मैं तो इसे अपनी जमीन दे रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे चचा खा, तुम क्या अपनी जमीन पे मिसाइल उगाओगे? तुम भी हाँ कर दो। नहीं होगा ऐसे एक दो के हाँ बोलने से नहीं होगा, गांव वालों सबको अपनी अपनी जमीन देनी होगी, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तभी तो एक मुट्ठी बनती है। चलो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। अरे कोई हाथ क्यों नहीं उठा रही है? अब तो सरपंच जी भी मान रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके मरने में हर्जी क्या है बाबू? और मैं क्या बोल रहा था, आखिर इसके जिंदा रहने में हर्ज क्या है? आज से इस गांव में मरने मराने की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ जीने की बात होगी। उठाओ हाथ, अबे उठाओ हाथ। कवन सो का कठिन चकमाई, जो ना हुई तात तुम पाही। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाओगे? रामायण का श्लोक है। इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ता था मैं, अर्थशास्त्र की किताब। तुम नहीं समझोगे इसकी बात, क्योंकि नहीं समझने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। महाराज आज अगर इसकी बात नहीं माने ना, एक एक करके सब फांसी पे लटक जाओगे, सब मर जाओगे।
क्योंकि ये जो कुछ कहता है ना वो सब इस किताब में लिखा हुआ, इस किताब में लिखा। क्या कह रहा था ये? अलग अलग जमीन, अलग अलग खर्चा, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्राली, तेल, दवाई। एक जमीन एक खर्चा, एक जमीन कम खर्चा, यही कह रहा था ना। मेरा खर्चा है कितना? दो भाई, दो चाय, दो रोटी, नहीं पीढ़ी से कैंसर हो जाता, छोड़ दी। मार डाल इसको, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, रुकना नहीं। ये ले वो, भाग जा भाग जा, पार्टी चला देंगे तुझे, मेरे घर पागल कर देंगे, समझा? जा भाग जा। मेरे तो जमीन भी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि सही का साथ देना चाहिए। भारी रामायण है वो साला लौंडा शहर का, दो दिन नहीं हुए उसे आए, इसे तुमने बना दिया भगवान राम। मैं तेरा बाप जिसे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये साला हो गया रावण। बारे बा बारे बा, खुद ही बोल रहे हो। सुन कान खोल के, मैं ये बोल रहा हूँ कि कह दे इन सबसे मैं अपना माल बिना मुनाफे के नहीं बेचूंगा, बस। और सुन कान खोल कर, इस लड़के के साथ घुसड़ पुसड़ करना बंद कर दे, बस। मैं घुसड़ पुसड़ कर रही हूँ? हाँ। देखो बाबू, तुमने ना बहुत मोते देख ली हैं, इसलिए तुम्हारा दिल तो हो गया पत्थर का। मुझसे नहीं देखी जाती, मैं तो साथ दूंगी उस लड़के का, तुम रोक सको तो रोक लो। मैं भी हूं तेरा बाप, रोक सको तो रोक लो। अभी देख, देखो बात ये, इस आदमी ने एक बड़ी परेशानी की बात बताई है कि गांव के सारे जवान मर्द शहर भाग गए हैं। बात तो सही है, तो ये पूछता है कि अब खेतों में जमीनों में कौन काम करेगा। इस पगलेट को पता ही नहीं है कि हमारी गांव की औरतों ने भले चूड़ियां पहन रखी हों, पर किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं बैठेंगी। और अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो गांव के लिए मर्दों के सारे काम भी हम करेंगी। तो बोलो कौन कौन है मेरे साथ ये बात? अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ दही जमा रहे हो, दुबे जी ने वहां रायता फैला दिया, पंचायत जमा रखी है, जल्दी चलो। अरे पंचायत जमा रखी, सब चलो यहाँ से, चलो जल्दी। अरे पूरा गांव सर पे उठा रखा है, इससे पहले कि गांव से सर पे उठा ले तो रोकना पड़ेगा। सरपंच जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये दोनों के दोनों लौंडे हैं ना, ये बिल्ली का गूं है, ना लीपने के ना पोतने के। ये देखो याद है। क्यों भाई, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? भाग गया? तू ना भागा क्यों लौंडिया चक्कर में? बाबू क्या बोल रहे हो? तुम लोगों ने इनको जमीन दे दी, ठीक है, मान लो मैं अगर मुनाफा ना भी लूं, फिर भी बीज खाद दवा की खरीदी के पैसे तो लगेंगे, हैं? पैसे कहां से हैं? अजय बेटा, इस बात का जवाब है। अजय, कुछ सोचा ना इसके बारे में? देखिए
आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सब गांव वाले साथ मिलेंगे तो जोड़ के कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कुबेर की नगरी में आयो हैं? यहाँ तो पहले ही सब लोग भूखे नंगे बैठे हुए। जमीन बहुत बड़ी है, बहुत पैसे लगेंगे, कम से कम 2-3 लाख रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा। बताओ सरपंच जी, रोशनी करो खुदा को मंजूर, तो आंधियों में चिराग जलते हैं। 40,000 अपन के लिख लो। कहाँ से आएंगे? ये जो गाड़ी है ना सजी धजी, 60,000 का माल है, 40 में तो कोई भी लेगा ना, पक्के बेच देंगे। अपन मियां कैसी बात कर, पप्पन तेरी तो जमीन भी ना है, तू क्यों दे रही है? और इनका तो गांव भी ना है, फिर ये क्यों अपना भेजा गुर्दे और किडनी लगा रहे हैं? 30-40 हजार में हो रहा है ऐसा है? दुबे खां एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारी आंख में ना सुअर का बाल है और बदन पे गेंडे की खाल है, पैसा अगर होता भी ना तो तुम ऐसे ही चिरक जाते। बेकार की बात है, मैं कतई ना मुकरता, जुमके की सौगन, एक पैसा मुनाफा ना लेता मैं। गांव की इज्जत अपनी इज्जत है, समझे? यहाँ तो सच्चाई ये है, खरीदी के पैसे कौन देगा? बोलो बोलो अजय। देगा? और मेहनत मजदूरी कौन करेगा? ये बुड्ढे जिनकी हर रविवार को बारी बारी से डोली निकलने वाली है। भाई वाह। तो भाई बताओ कौन कौन साथ दे रहा है इनका, है कोई? कोई है? है कोई? अरे कोई है? अरे कोई बोलेगा कौन है इनके साथ? लोगों का पता नहीं, पर मैं और गांव की सभी औरतें और सभी लड़कियां खड़ी इनके साथ, हम काम करेंगे। अरे तेरे खड़े होने से क्या होता है, ये सारा का सारा गांव भी अगर मिलके इनके साथ खड़ा हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। बात तो पैसे की, पैसा कहाँ है? धोबे जी पक्के बिल बांट रहे हैं क्या? तुझे सीरियसली लगा कि मैं छोड़ के भाग गया? किसान की लटकती हुई लाश मुझे याद है यार अभी तक। मैं बैकआउट नहीं कर सकता है। लेकिन तू समझा नहीं यार, अकेले हीरो बनना है क्या तुझे? नहीं यार, ये बस ये गांव वालों को थोड़ा भला हो जाए, मैं बस ये चाहता था। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे हमेशा करता है, बोल दिया तो बस आगे बढ़ गए। प्लानिंग लगेगी ना, आउटलाइन बनानी पड़ेगी ना। स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है तो तुझे मालूम है? 3.5 लाख रुपए अपने स्टार्टअप के लिए। 3.5 लाख कहाँ से लाया तू? पहले गया मकान मालिक से डिपॉजिट वापस लिया, FD तोड़वाई, चेन तावीज अंगूठी सब बेच दिए। साले FD तेरा हनीमून का बजट था। अरे हनीमून तो यार उस दिन रेलवे ट्रैक पे गया। और तू सही कहता था, एस्ट्रोलॉजी का चक्कर बेकार है, कोई तावीज नहीं, अब अपने तावीज खुद बनेंगे। आका, अब ना आपकी जरूरत है ना आपके बीज और खाद की। जुमकी इसे गलत मत समझना है, बहुत साथ दिया है इसमें, हमारे पीछे अपने बाप से लड़ ली और गांव में सबसे पहले हमारे साथ खड़ी हुई थी। ओहो पठान, अपन के इधर पकौड़े तल रहे थे, यही रोजगार बचा है? नहीं पापा, आइए।